अगर आपके घर में नीम का पेड़ है, ये देखिए मेरे घर में नीम का पेड़ है, तो मैं इसकी नीम कौड़ी बीन के मैंने घर पे ही नीम खली तैयार कर ली है। और किस तरीके से तैयार की है मैं आपको आज बताऊंगी। घर पे ही अपने पौधे के लिए नीम खली का यूज़ करें, जिससे पौधे आपके हेल्दी बने और कीड़े मकोड़े से, फंगस से दूर रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। ये नीम की गुठली हैं, नीम कौड़ी, इनको सुखा लिया अच्छी तरीके से। अब इनको इससे इमाम दस्ते से कूट कर मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पे नीम की खली कैसे तैयार करते हैं। और ये गुठली से ये दरदरा पाउडर जैसा बन जाएगा, तो मैं हर पौधे में डालूंगी, जिससे इनको फंगस वगैरह, कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और पौधों को भी एक तरीके से खाद हो जाएगी, जिनकी जिनको पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कीटनाशक है ये दवाई, और के रूप में काम करेगी नीम खली। मैंने नीम खली घर पे ही तैयार कर लिया है। इस नीम को, नीम कौड़ी थी, मैंने उसको इमाम दस्ते में कूट कर इस तरीके से बुरादा तैयार कर लिया है। और मैं यही पौधे में डालूंगी, जिससे मेरे प्लांट बहुत हेल्दी होंगे, फंगस नहीं लगेगा और कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। ज़रा सा ये इसको यूज़ करना है, और मैं हर गमले में ऐसे ही डाल दूंगी। देखिए, इससे मेरे कीड़े मकोड़े पौधे में नहीं लगेंगे। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सभी पौधे में डालूंगी, और मेरे पौधे में बिल्कुल भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा। और इस तरीके से आप अपने घर में बनाइए नीम खली और पेड़ों में डालिए। मैं हर पौधे में ये थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी, और थोड़ा सा डालिएगा और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा प्लांट को, और मेरे प्लांट हेल्दी रहेंगे, फंगस से बचे रहेंगे और कीड़े भी नहीं लगेंगे, जो अधिकतर पौधों में लग जाते हैं। और कम से कम ये 6 महीने में, आप साल में 2 बार तो डाल ही सकती हैं, और जिससे आपके प्लांट बहुत हेल्दी बने रहेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।